मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी 1962 याद कर लो, चीन ने भारत के कितने क्षेत्र पर कब्जा किया था। राजीव गांधी के समय पिद्दी पिद्दी से देश भी डराते थे। इधर शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर शुक्रवार को जयपुर में राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए चीन के मसले पर विदेश मंत्री को नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी सोच और समझ बड़ी करनी चाहिए। चीन की तैयारी युद्ध की है, सरकार इस मसले को नज़रअंदाज कर रही है और इससे संबंधित जानकारियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा सरकार सोई हुई है। हिंदुस्तान की सरकार राजनीतिक रूप से काम नहीं करती, इवेंट बेस काम करती है। जहां जियो पॉलिटिक्स की बात आती है वहां इवेंट काम नहीं आते, वहां ताकत काम आती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, वे हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश पदाधिकारी की बैठक निर्मल सत्य गार्डन में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने सत्र का शुभारंभ किया। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, कविता पाटीदार, ओम प्रकाश धुर्वे, जयभान सिंह पवैया, फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद सहित कई नेता हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी ने बताया कि बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने पर पार्टी पदाधिकारी चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, इसलिए प्रदेश में एक दिवसीय विस्तारित पदाधिकारियों की बैठक की गई। उन्होंने बताया कि विधानसभा स्तर पर हुए ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग पर चर्चा होगी। 18 दिसंबर से होने वाले नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग पर भी चर्चा होगी। 18 दिसंबर से प्रदेश के 38 स्थानों पर नगरीय निकाय जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन होगा, जिसमें 5 विषयों पर प्रशिक्षार्थी जानकारी देंगे। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान बूथ प्रबंधन करने वाले संगठन के रूप में होती है। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बूथ स्तर तक फैला हुआ है। हमारा यह नेटवर्क और मजबूत हो, उसके लिए बूथ के पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति गठन को लेकर एक दिवसीय बैठक में चर्चा होगी, जिसके साथ ही दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में तय हुए कार्यक्रमों को प्रदेश में आयोजित करने की रूपरेखा बनेगी। 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी, चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे,